पेपर है। कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे, बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे, ये भालू के बच्चे। रेस गाड़ी, ये तो कमाल की है। हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। क्या हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी, वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए, इंजन पेट्रोल से चलने वाली, हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी, मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते, फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो, करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बजूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार, एक दो तीन। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम, हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम, तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम, वाह, या। बाकी क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, बोलो? इसको बस हवा चाहिए, कहाँ से लाओगे? बाकी ये क्या है? एक पंखा, ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओ, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा, साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ क्यों नहीं, फैनी तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ही इंजन काम आ रहा है। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। ये मजा आ गया। ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में, जो भी
ही काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा, हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर। कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे, बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे, ये भालू के बच्चे। पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी, मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम भी ऑन। मुझे सरदार नहीं बना सकते? मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। दोस्तों देखो, मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये बताओ? रैनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। पियोन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। की भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया, क्या बात है, मैं सच में सरदार हूँ, सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? डरो मुझसे, झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता, अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बकी तुम? बकी नहीं, सरदार बकी बोलो। ओ, ये बात है, तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। ये सीढ़ियाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है, यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे,
फ्रेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी पर तुम अकेले ही खेलने चले गए, इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी, हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है, है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। अरे हाँ, क्या हुआ? हाँ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी। कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे, बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे, ये भालू के बच्चे। आसमान का सफर। मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा, कहाँ गिरा है? बियॉन चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा, आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया तभी अचानक धड़ाम, वहाँ एक तारा गिरा टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, वहाँ यही पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का। ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था, हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे, मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बाकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना, इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ सही कहा, ये इस तरह से है, है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है, तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर? ओ फ्रेनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्षयान कैसा लगा? हे फ्रेनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 2.5 और ये हुआ 1.5 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं, हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम, यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है, मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए।
मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। ओ, मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की फाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओ नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या, कहाँ? आसमान में, हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चम चम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दे। कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा। पढ़े कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे, बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे, ये भालू के बच्चे। राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बाकी और जादूगर पियोन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। आहा, ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़े से मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती हो जाए खलास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया, ये लो। अकार बकार, लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो।
बेटा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे, ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी, आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकते हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह, गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। ओह, बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। गर्मी है बियॉन। तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा, हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियाँ करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है बियॉन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छी स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना बियॉन। तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको एक मिनट। बस हो गया, मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। बस तैयार हो जाओ बियॉन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बाकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो।
कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बाकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं। और ये मत भूलना बियॉन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा, ऐसा है, तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकते हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊँ तो जाने की जरूरत ही क्या है? मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यही रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास सुंदर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है। अच्छा सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती, फिर तो अच्छी बात है।